जैसा कि आप यहाँ पे भक्ति गाने सुन रहे होंगे, कैंपस में आ चुके हैं हम, आगे जा रहे हैं, दर्शन कराते हैं आपको भी। मैं यहाँ आज अपने दोस्त के साथ आया हूँ, दूसरा वाला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है बात करने में। फिलहाल चलो आगे चलते हैं और दर्शन फिर कराते हैं। ये कृपालु धाम कुंडा से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ आने के लिए कुंडा रेलवे स्टेशन सबसे पास में है। वैसे इलाहाबाद, जब भी आप उतरो इलाहाबाद से बस या ट्रेन लेकर, आप आसानी से यहाँ आ सकते हो। और यहाँ आने के बाद आपको मिनी मथुरा वृंदावन आप बोल सकते हो इसे। जैसे ही कैंपस में आप एंटर करोगे, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, महाभारत का रथ यहाँ पे। जय श्री राधे। कृपालु धाम मंदिर परिसर में मैं आ चुका हूँ और यहाँ का नजारा कैसा है रुको दिखाता हूँ मैं। कैंपस में जैसे ही आप अंदर आओगे, यहीं पे जूता घर है, जूते आप अपने उतारो, ये भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे इसके भी नहीं देने आपको। यहाँ पूरे कैंपस में जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का बहुत ही सुंदर तरीके से झांकियों के रूप में क्या बोले दर्शाया गया है, जो बहुत ही सुखद है। और यहाँ पे ये राधे राधे के भजन जो चलता रहता है ना, ये सुनना अपने आप में ही है एक अलग एहसास है। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये कृपालु जी की समाधि है। कृपालु जी के मरणोपरांत उनकी अस्थियाँ शायद यहीं पे रखी गई हैं और ये मंदिर बनाया गया है। और वो जो झांकियां हैं, उसी झांकियों के क्रम में भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर स्वरूप। जय श्री राधे। मैंने सबसे पहली बार यहाँ पे लगभग 2011 या 12 में आया था, तब यहाँ पे इतना ये सब कुछ नहीं बना था। और वो उधर वहाँ पे जो नगर है पूरा, पीछे अभी मैं दिखाऊंगा, वो नगर घूमने देते थे। अभी फिलहाल वो नगर में जाना अलाउ नहीं है अभी। बस आप इधर ये जो नया कैंपस बना है, इस कैंपस में घूम सकते हो, दर्शन कर सकते हो, और मैं भी वही कर रहा हूँ। और काफ़ी कुछ बन गया है यार यहाँ पे। ये जो झांकियाँ भी मैं दिखा रहा था ना, ये आगे अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत भी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। चलो रुको दिखाता हूँ एक मिनट। यहाँ सामने भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीलाओं का वर्णन किया गया है। वास्तव में बहुत अच्छा बन गया है यार। और आगे चल के मैं दिखाता हूँ जो ना आपको यकीन नहीं होगा। एक ये इधर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर जो विजय प्राप्त की थी, उस विजय का वर्णन कितना सजीव किया गया है यहाँ पे, देख कर यकीन ही नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है यार। कैसा लग रहा है, मस्त है ना। अगर आप मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते हो तो आप फिलहाल, वैसे जाना चाहिए वहाँ भी जरूर, बट जब तक आप नहीं जा पा रहे हो ना, ये मिनी मथुरा वृंदावन कुंडा के पास ही पड़ता है, यहाँ जरूर आओ। ये जो सामने ये वाला कैंपस आप देख रहे हो, इसमें अंदर से एक भी पिलर नहीं है। और ये जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने प्रवचन देने के लिए बनवाया था, हालांकि ये बनने के कुछ ही वक्त बाद उनकी मृत्यु हो गई। बट अभी यहाँ से जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो संस्कार टीवी और इन सब पर आते हैं, वो नॉर्मली यहीं से प्रसारित होते हैं। और यहीं अभी अंदर खुला होगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैं चल के देखता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको अभी।
वो सामने वो मेन मंदिर है यहाँ का, चलते हैं वहाँ पे दिखाते हैं आपको, दर्शन करते हैं वहाँ पे। ये जो सामने मंदिर आप देख रहे हो ये यहाँ का मेन मंदिर है जिसके बारे में अभी मैं बोल रहा था, अभी चलते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये बात वैसे कई बार बोल चुका हूँ बट मन ही नहीं भर रहा है यहाँ पे। और ये लड़का जो है इसको थैंक यू बोलना आपको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, गाड़ी ड्राइव करके यहाँ लाया है। और वो जो कैमरा पकड़ा है लड़का उसको दिखाता हूँ एक मिनट। ये है वो लड़का जिसने पहले प्लान कैंसिल कर दिया था और फिलहाल हम यहाँ आ चुके हैं। जिस कृपालु नगर की मैं बात कर रहा था, कर ही रहा था ना, वो नगर इधर है, फिलहाल हम उधर जाने ही नहीं देते हैं। यहाँ ना मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इस वजह से मंदिर के अंदर का मैं दिखा नहीं सकता। वैसे कैमरा किसी भी मंदिर में कहीं अलाउ होता नहीं है। अब फिलहाल मैं सामने जो नया मंदिर यहाँ बना है वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ आना बहुत आसान है, इलाहाबाद से बहुत पास पड़ता है, आप आओ जरूर। लाइटिंग यहाँ हो गई और लाइट जलने के बाद नज़ारे यहाँ के एकदम अलग हो चुके हैं यार। ये है वो नया मंदिर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, लाइट जलने के बाद ये एकदम अलग ही लुक दे रहा है। मंदिर का प्रवेश द्वार इधर है। ये यहाँ की कैंटीन इधर है मंदिर के ये जस्ट बगल में इधर। यहाँ पे खाने पीने की सुविधा अच्छी है, सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, बस रेट यहाँ का नॉर्मल से थोड़ा हाई रहता है। कैंटीन की यहाँ की रेट लिस्ट है, कॉफ़ी 20, चाय 10, सैंडविच 50 और पनीर पेटी 40, पेटीज 30, छोले समोसे 40 और समोसा 15 का है। चाट समोसे के अलावा कैंटीन में यहाँ पे पिज्ज़ा भी अवेलेबल है और ये सारी इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ मीनू उधर भी लगा हुआ है, मतलब यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको, बस आओ खाओ। उम्मीद है वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक पूरा देखा होगा और पसंद भी आया होगा, मनगढ़ धाम घूम के अच्छा भी लगा होगा आपको। चलो चलता हूँ, फिर किसी और ब्लॉग में मिलता हूँ। आना यहाँ ज़रूर, दर्शन करना। यहाँ पे अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, अभी भी बहुत सी मंदिर हैं, बहुत सी इमारतें भी यहाँ और बननी हैं और वो बनने के बाद यहाँ के नज़ारे और सुंदर हो जाएंगे। फिलहाल चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।